जहां पे सिग्मा एफ होगा इस फ्रीक्वेंसी का सम, टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, और सिग्मा एफ एक्स होगा इन दोनों का मल्टीप्लाई करके जो हम ऐड करेंगे वो होगा सिग्मा एफ एक्स। तो सबसे पहले एफ एक्स निकालते हैं फिर सिग्मा एफ एक्स, तो एफ एक्स हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 27, ये हो जाएगा 40, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 66 हो जाएगा, इसका इसका मल्टीप्लाई 24, ये हो जाएगा 65, और ये 14 का 9 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 14 9 का ये हो जाएगा 126, और 15 का ये से मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 165, 17 6 जा 168 जा 128 और 76 जा ये हो जाएगा 102 और 85 जा 90। तो यहाँ से सिग्मा एफ निकालेगी फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे 4376 ये हो जाएगा 13 15 और ये हो जाएगा 18 27 प्लस 46 हो जाएगा हो जाएगा 57 सिग्मा एफ निकल के आएगा 57। एक बार फिर से आप क्या देख लेते हैं 7 6 13 15 20 29 इसको ऐड करेंगे तो आएगा 34 plus 9 इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा, सॉल्व करते हैं इसको तो निकल के आएगा 59 1 प्रत्यक्ष विधि बोलते हैं, प्रत्यक्ष विधि से मार्क इस तरह से निकालते हैं।
तो आई होप ये आपको डायरेक्ट मेथड में निकालने का समझ आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम शॉर्टकट मेथड के बारे में बात करेंगे, लघुगणित से माध्य कैसे निकालते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।